रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल टेक अ लुक एट द 8051 माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। The structure of 8051 assembly language, example, program, etc. Before going into detail of the 8051 microcontroller assembly language and programming, let us get a brief idea about programming languages in general, specific to microcontroller, and also types of programming languages. आज हम माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे। तो बजाय इसके हम माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जाएं, तो सबसे पहले इसकी जो बेसिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। वो हैं स्पेसिफिक टू माइक्रो कंट्रोलर और टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारा जो आज का जो ट्यूटोरियल है उसमें ये तमाम टेबल ऑफ कंटेंट दिए गए हैं। माइक्रो कंट्रोलर के जितने भी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे उसकी सारी जो फहरिस्त है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेक्चर के साथ इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? प्रोग्रामिंग इन द सेंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर और एनी कंप्यूटर means writing a sequence of instruction that are executed by the processor in a particular order to perform a predefined task. Programming languages जो है ये हम start में discuss कर चुके हैं, तो microcontroller के हवाले से इसको repeat कर लेते हैं ताकि आपका जो है वो revise हो जाएगा और microcontroller की basic है वो भी आप understand कर लेंगे। तो सबसे पहले उसने बताया है कि जो प्रोग्रामिंग होती है माइक्रो कंट्रोलर की सेंस के हवाले से, एक तो हम कोडिंग के हवाले से प्रोग्रामिंग है वो भी डेफिनेशन इसकी ठीक है, लेकिन अभी हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो डिस्कस करेंगे उसको हम माइक्रो कंट्रोलर या किसी कंप्यूटर की सेंस के मुताबिक जो है वो इसको डिफाइन करेंगे। उसने बोला कि राइटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमारे पास जो भी यूज़र की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती हैं या हम किसी भी टूल में जाके वो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं प्रोसेसर के जरिए इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर टू परफॉर्म अ प्री डिफाइंड टास्क। अब ये प्री डिफाइंड टास्क हमने सबसे पहले वो डिक्लेयर किए होते हैं, उसके मुताबिक हम जो है वो कोडिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जिसे प्रोसेसर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता है और उसका एक रिजल्ट जो है वो जनरेट करता है। प्रोग्रामिंग आल्सो इन्वॉल्व डिबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस टू मेक श्योर दैट डिजायर्ड टास्क इज परफॉर्म। अब उसने बताया कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग है वो मुख्तलिफ चीज़ों पर मुनहसर होती है, उसमें डिबगिंग भी है ट्रबल शूटिंग भी है। डिबगिंग ये होता है कि हमारे पास एक टूल है, जावा का टूल ले लें, सी प्लस प्लस का ले लें, सी लैंग्वेज का ले लें, सी शार्प का ले लें, PHP का, वट एवर। तो दौरान कोडिंग, दौरान हम जो टाइप करते हैं कोई भी वर्ड टाइप करते हैं कोडिंग करते हुए, तो उस वक्त अगर कोई एरर आ जाता है, चाहे वो लॉजिकल एरर हो चाहे सिंटैक्स एरर हो, कंपाइल करने से पहले हमारा जो टूल होता है वो एरर को डिफाइन करता है कि फलां फलां लाइन में जो है एरर है इसको रिमूव किया जाए। तो इस चीज़ को कहते हैं डिबगिंग। एंड ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि अगर किसी जगह पे कुछ प्रॉब्लम है उस टूल्स में, उसकी इंस्टॉलेशन में, तो उसको हम जो है वो क्लियर करते हैं। Of instruction and instruction sequence to make sure that the desired task is performed. तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है एक तो डिबगर से क्लियर होनी चाहिए, ट्रबल शूटिंग से क्लियर होनी चाहिए, और उसके बाद हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो इस सीक्वेंस के साथ होनी चाहिए कि हमारा जो है एक
आउटपुट जो है वो इजीली जनरेट हो सके, हम जो इनपुट चाहते हैं उस सिस्टम से, उस फंक्शन से, उस प्रोग्राम से, वो हमारी जो डिजायर है वो हमारी पूरी हो जाए। तो यही उसने वो डेफिनेशन लिखी है कि प्रोग्रामिंग आल्सो इन्वॉल्व डिबगिंग ट्रबल शूटिंग ऑफ इंट्रक्शन। जो हमारी इंट्रक्शन होती है, यूजर की तरफ से जो इंट्रक्शन होती है, वो डिबगिंग और ट्रबल शूटिंग वो मुश्किल होती है। एंड इंट्रक्शन सीक्वेंस, इसमें सीक्वेंस का भी बड़ा रोल है कि हम स्टेप बाय स्टेप जो काम करना चाहते हैं, क्या वो प्रोग्रामिंग के दौरान हम उसी तरह ही कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट है, लाइक एनी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव सर्टेन वर्ड्स, ग्रामर एंड रूल्स। देर आर थ्री टाइप्स आर लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। दीज लेवल आर बेस्ड ऑन हाउ क्लोजली द स्टेटमेंट ऑफ लैंग्वेजेस रिसेम्बल द ऑपरेशन और टास्क परफॉर्म बाय द माइक्रो कंट्रोलर। देर आर थ्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो आर्टिकल है, ये तो मेरा ख्याल है आपको मैंने स्टार्ट में पढ़ाया हुआ है, तो मजीद इसको रिवाइज कर लेते हैं और साथ माइक्रो जो कंट्रोलर है उसकी बेसिक जो है वो भी पूरी हो जाएगी। हमने पढ़ा हाई लेवल लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसर है। सबसे पहले आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज डेट आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड वेरी फार फ्रॉम कंप्यूटर लैंग्वेज। हमारा जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज को मैंने आपकी हिस्ट्री मैंने बताई हुई है कि शुरू शुरू में जो इसका बनाने वाला था, जो माहिरीन था, जो साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि पार्ट्स को जो है वो असेंबल किया था उसने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि तब जो सिस्टम है वो इस तरह नहीं हुआ करते थे जैसे कि आजकल हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो उसने कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को जो कि अलग अलग थे उनको असेंबल किया और एक सिस्टम जो है वो जनरेट किया अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जो भी टास्क परफॉर्म करवाने थे वो टास्क परफॉर्म किए। तो ये उसकी असेंबली लैंग्वेज की हिस्ट्री है। तो आज हम असेंबली लैंग्वेज को भी इसी तरह ही, ये हमारे पास जितने भी फंक्शन होते हैं उनको हम असेंबल करते हैं, हमारे पास जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम असेंबल करते हैं। उसके बाद आ जाती है मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज। ये स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस है। तब कंप्यूटर को अपनी जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज होती है, उसमें जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हमारे पास जो प्रोसेसर होता है वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। अब उसमें साथ में ये बताया कि ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है बहुत ईजी है इम्प्लीमेंटेशन में, फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि ये ज़्यादा अरसे तक जो है वो काम करती है। पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी से मुराद ये है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उस डाटे को, उस इंस्ट्रक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन करते हुए इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। कोड डेंसिटी, हम कोड को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। मशीन स्पेसिफिक, अब वो जो कोड होता है जो कि हम टाइप कर रहे होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, वो एक खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती हैं। मशीन लैंग्वेज, इन मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी बिट पैटर्न लाइक कम्बिनेशन ऑफ बाइनरी डिजिट 0 1। अब जो मशीन लैंग्वेज है ये आपको पता है ये बाइनरी लैंग्वेजेस होती है, 0 1 की फॉर्म में होती है, 0 पे कंप्यूटर जो है वो ऑफ होता है, 1 पे कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन ऑन होती है, विच आर स्टोर एज हाई एंड लो वोल्टेज लेवल। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है जो 0 1 की फॉर्म में लिखी जाती है, हाई वोल्टेज पे भी होती है, लो वोल्टेज पे भी होती है। दिस इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज द लैंग्वेज दैट ए माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली अंडरस्टैंड। अब ये बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसको आपने ध्यान से सुनना है। उसने लिखा है दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेवल है, मशीन लैंग्वेज, एंड इज द लैंग्वेज दैट इज माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली अंडरस्टैंड। अगर हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है और माइक्रो जो प्रोसेसर है उसको ये लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज,
नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द समरी लैंग्वेज सिंस मशीन लैंग्वेज और कोड इन्वॉल्व ऑल इंस्ट्रक्शन इन वन एंड जीरोस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू प्रोग्राम यूजिंग इट। तो ये मशीन लैंग्वेज का भी आपको मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि इसमें हम कोडिंग करते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी होती है क्योंकि इसमें हमने कोड ऐसे यूज करने होते हैं जो कि निमोनिक्स से उसका तलक होता है, कीवर्ड हमने यूज करने होते हैं, पूरा वर्ड हमने यूज नहीं करना बल्कि उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी होती है। असेंबली लैंग्वेज इज ए सोडो इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज। द 8051 माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लैंग्वेज इज ए कम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स कॉल्ड निमोनिक्स एंड हेक्साडेसिमल कोड। अब जो असेंबली लैंग्वेज है ये ऐसे ही है जैसे ब्रिज होता है, ब्रिज के एक सिरे पे एक साइड होती है, दूसरे सिरे पे दूसरी साइड होती है और वो दोनों को आपस में मिला रहा होता है। सेम इसी तरह जो असेंबली लैंग्वेज है ये भी एक ब्रिज की तरह है। असेंबली लैंग्वेज की एक साइड पे कंप्यूटर लैंग्वेज है और उसकी एक साइड पे हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज है। मीन्स के एक साइड पे बाइनरी फॉर्म में डाटा होगा और एक साइड पे ह्यूमन लैंग्वेज में डाटा होगा। तो असेंबली लैंग्वेज क्या काम करती है, ह्यूमन लैंग्वेज के डाटे को कन्वर्ट कर देती है निमोनिक्स में, कीवर्ड में यूज कर देती है जो के क्लोज होती है मशीन लैंग्वेज से। इट इज आल्सो ए लो लेवल लैंग्वेज एंड रिक्वायर एक्सटेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। अब ये भी जो है लो लेवल लैंग्वेज होती है और इसके लिए भी माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज। द नेम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज मीन दैट यू नीड नॉट वरी अबाउट आर्किटेक्चर और अदर इंटरनल डिटेल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एंड दे यूज वर्ड एंड स्टेटमेंट दैट आर इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमन। अब उसमें ये बताया कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसका मतलब ये है कि आपको इसके बारे में या इसके आर्किटेक्चर को समझने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को समझने के लिए इसको कोई कम्प्लिकेशन इसमें नहीं पाई जाती। ये जस्ट एक वर्ड्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Few example of high level languages are basic C, Pascal, C++ and Java. A program called compiler will convert the program written in high level language into machine language. तो हमारे पास जो भी इंट्रक्शन ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज होती हैं उसको कन्वर्ट सबसे पहले किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, तो वो हमारे पास कंपाइलर के जरिए कन्वर्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें असेंबली लैंग्वेज की जरूरत क्यों पेश आती है, व्हाई असेंबली लैंग्वेज। ऑल्दो हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू वर्क विद, हाई लेवल लैंग्वेज का जो आपने पढ़ा है जो अभी मैंने आपको बताया है कि उसके साथ काम करने में हमें बहुत आसानी होती है क्योंकि वो वर्ड्स होते हैं, स्टेटमेंट होती हैं दैट आर इजीली अंडरस्टैंडेबल बाई द ह्यूमन। द फॉलोइंग रीजन पॉइंट आउट द एडवांटेजेस ऑफ द असेंबली लैंग्वेज। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज गेट एग्जीक्यूट फास्टर। हम जो भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं एग्जीक्यूट जो है वो फास्ट हो जाता है। दे ऑक्यूपाई लेस मेमोरी, उनकी मेमोरी भी जो है वो कम जो है वो कंज्यूम करते हैं, ये इसका फर्स्ट जो है वो एडवांटेजेस है। विद द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज यू कैन डायरेक्टली एक्सप्लोर द फीचर ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। अब हम असेंबली लैंग्वेज को इसलिए पढ़ते हैं कि इसके जो फीचर होते हैं वो हम डायरेक्टली असेस कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के फीचर के साथ। यूजिंग असेंबली लैंग्वेज यू कैन हैव डायरेक्ट एंड एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ ऑल माइक्रो कंट्रोलर रिसोर्स लाइक इन आउटपुट पोर्ट्स रैम एसएफआर ईटीसी एटसेट्रा। अब उसने बताया कि हम असेंबली लैंग्वेज को यूज करते हुए डायरेक्टली और बिल्कुल एक्यूरेट माइक्रो कंट्रोलर के साथ असेस कर सकते हैं कौन कौन से रिसोर्स, हम इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स को हम असेस कर सकते हैं, रैम को असेस कर सकते हैं, एसएफआरएस ये भी एक डिवाइस होती है इसको भी हम असेस कर सकते हैं वगैरह वगैरह। कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज हैज लेस रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन। अब
अगर हम असेंबली लैंग्वेज को कंपेयर करें एज ए हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसकी ये तो रूल्स बहुत कम होते हैं, दूसरी इसकी रिस्ट्रिक्शन पाबंदियां जो है वो बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से हम असेंबली लैंग्वेज को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाए द स्ट्रक्चर ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लैंग्वेज। ऊपर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो बेसिक है माइक्रो कंट्रोलर के लिए। द स्ट्रक्चर ऑफ सिंटैक्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लैंग्वेज इज डिस्कस हेयर। ईच लाइन और स्टेटमेंट ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम 8051 माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ थ्री फील्ड। मतलब हमारे पास जो भी माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग है उसमें तीन किस्म की फील्ड होती हैं। एक तो उसका लेबल होता है, दूसरे उसकी इंस्ट्रक्शन होती हैं, और थर्ड उसके कमेंट्स होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ दीज फील्ड और ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन शोन बिलो। इस तरह हम इन तीनों फील्ड को जो है वो इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। लेबल जो कि स्केयर ब्रैकेट में है, उसके बाद इंट्रक्शन होगी, उसके बाद कमेंटिंग होगी, कमेंट से पहले जो है वो फॉरवर्ड जो है वो स्लैश होगी। ब्रैकेट फॉर लेबल एंड कमेंट्स मीन दैट दीज फील्ड आर ऑप्शनल एंड मे नॉट बी यूज इन ऑल स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। अब इसमें जो दो फील्ड हैं लेबल और कमेंट, ये उसने बताया कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम है उसकी हर स्टेटमेंट के साथ कमेंट नहीं किया जाता, ना ही हर स्टेटमेंट के साथ उसको लेबल किया जाता है। हम प्रोग्रामिंग में जब भी फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन से पहले हम उसको कमेंट करते हैं कि इस फंक्शन में हम क्या करने जा रहे हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस फंक्शन में हम ये टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं, नेक्स्ट फंक्शन में हम ये काम करवाना चाहते हैं, तो हम वो कमेंट साथ साथ कर देते हैं। लेकिन उसने बताया कि माइक्रो कंट्रोलर में ना तो हर स्टेटमेंट के साथ हम कमेंट करेंगे और ना ही हर स्टेटमेंट के साथ हम लेबल यूज करेंगे। बिफोर सीइंग अबाउट दिस थ्री फील्ड लेट अस फर्स्ट सी द एग्जाम्पल ऑफ हाउ टिपिकल स्टेटमेंट आर लाइन इन एन 8051 माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लैंग्वेज लुक लाइक। अब माइक्रो कंट्रोलर जो इसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसने बोला कि बजाय कि हम माइक्रो कंट्रोलर की डेप्थ में जाएं, हम सबसे पहले एक सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लैंग्वेज का कोड किस तरह दिखाई देता है। टेस्ट लेबल, ये एक फील्ड है लेबल, टेस्ट नाम की मूव A24H, दिस इज ए सैम्पल कमेंट। अब ये एक सिंपल सी उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है कि 24H में हमने A को मूव कराना है। इन अबाउट स्टेटमेंट द टेस्ट लेबल इज द नेम ऑफ लेबल, ये टेस्ट लेबल जो है लेबल का एक नाम है। मूव A24H इज द इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन यूजर ने सिस्टम को दी है। दिस इज द सैम्पल कमेंट इन ए कमेंट, ये जो हमारे पास कमेंट है ये सिंपल ट्रेन जो है वो कमेंट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, लेबल, दरमियान में हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ गई, और थर्ड वन जो फील्ड है वो कमेंट हो गया। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है जो कि माइक्रो कंट्रोलर की है, कि वेरी लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो भी चीज़ होगी वो लेबल होगी, सेकेंड में हमारे पास इंस्ट्रक्शन होगी, और थर्ड वन पे हमारे पास कमेंट होगा। लेबल को हम डिस्कस कर लेते हैं। लेबल इज अ प्रोग्रामर चूजन नेम फॉर ए मेमोरी लोकेशन और स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम। अब किसी भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट के लिए उसको मेमोरी में लोकेशन देने के लिए हमने नाम तो जाहिर है मेंशन करना है। दैट्स फॉर रियल लाइफ में हम जब किसी बंदे का नाम लिखती हैं तो उसके साथ उसकी मेमोरी लोकेशन भी होती है कि वो बंदा कहाँ रहता है, तो जहाँ पे वो बंदा रहता है उसका साथ उसका एड्रेस भी होता है कि ये बंदा जो है वो फलां जगह में, फलां गांव में, फलां सिटी में, फलां गली में जो है वो रहता है। तो इसी तरह हमने जो भी स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्राम में लिखनी होती है तो साथ में उसका हमने लेबल, उसका एड्रेस देना होता है कि ये मेमोरी की कौन सी जो है वो किस लोकेशन के नाम पे ये एग्जिस्ट करेगी। लेबल पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। अब ये जो लेबल है ये एक ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं होगा। एंड इफ प्रेजेंट लेबल मस्ट बी टर्मिनेटेड विद ए कॉलन। अगर हमने लेबल को यूज करना है तो कॉलन के साथ यूज करेंगे। अब ये देखें टेस्ट लेबल कॉलन है हमारे पास,
और स्टेटमेंट में भी देख लें, ये कॉलम जो है वो उन्होंने मस्ट शो किया हुआ है, इसके बगैर लेबल जो है वो प्रोग्रामिंग में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर वाइल सेलेक्टिंग ए नेम फॉर लेबल इज दैट दे शुड रिड्यूस द नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब उसने बताया कि लेबल को, नाम को सिलेक्ट करने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन में इसका जो नाम है वो शॉर्ट होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। इंट्रक्शन, नेक्स्ट जो हमारी फील्ड है, इंट्रक्शन इज द मेन पार्ट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क परफॉर्म बाई द माइक्रो कंट्रोलर। एनी इंट्रक्शन इन द असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ऑफ कोड एंड ऑपरेंड। तो जो हमारे पास इंट्रक्शन होती हैं, जो कि हमने असेंबली लैंग्वेज में काफ़ी दफ़ा डिस्कस की है, मूव ए, 22H। अब मूव ए ये एक इंट्रक्शन है जो कि हम एक्यूमुलेटर को दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो मूव होगा ये ऑफ कोड होगा, निमोनिक्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, और इसका ऑपरेंड क्या होगा, ए, जो हमारे पास डाटा होगा। 22H और ए हमारे पास ऑपरेंड होंगे। जो ए होगा वो हमारे पास डेस्टिनेशन है, और दूसरा मैंने आपको बताया वो सोर्स होता है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑफ कोड विच इज द शॉर्ट ऑफ ऑपरेशन कोड स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। मतलब जो माइक्रो कंट्रोलर ने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो वाला ऑफ कोड होगा। ऑफ कोड इन असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड निमोनिक्स, शॉर्ट वर्ड होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ऑफ कोड आर द बाइनरी फॉर्मेट यूज इन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में ये बाइनरी फॉर्म में होंगे। वाइल द निमोनिक्स विच आर इक्वलेंट टू ऑफ कोड आर इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट, असेंबली लैंग्वेज में ये इंग्लिश की स्टेटमेंट होगी। सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रक्शन इज कॉल्ड ऑपरेंड एंड इट्स रिप्रेजेंट द डाटा ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म। अब जो हमारे पास जो सेकेंड इंट्रक्शन होती है, ये डाटे पर मुश्तमिल होती है जो कि ऑपरेशन जिस पे परफॉर्म होना होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक डाटा है ए प्लस बी, ए को हम वैल्यू देते हैं 5, बी को हम वैल्यू देते हैं 3। अब 3 और 5 जो है ये हमारे पास डाटा होगा। अब इस पे हमने ऑपरेशन, चाहे एडिशन ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, या सब्ट्रैक्शन है, जो भी हमने ऑपरेशन इस पे लगाना है ये हमने ऑपरेंड पे लगाएंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेंड, सोर्स ऑपरेंड एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड। सोर्स ऑपरेंड इज इनपुट ऑफ द ऑपरेशन एंड द डेस्टिनेशन ऑपरेंड वेयर द रिजल्ट इज स्टोर। एक तो वो ऑपरेंड होगा जहाँ पे हमारी इनपुट होगी, जहाँ पे हमारे इनपुट के लिए ऑपरेशन होगा, और दूसरा जो है वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमने उसका जो रिजल्ट है वो जाके स्टोर कराना है। ये हमारी जो होगी डेस्टिनेशन है और ये हमारी सोर्स है, मतलब तो इसके जरिए हमने इसके डाटे को डेस्टिनी मेमोरी में जाके लोकेशन देनी है। थर्ड जो फील्ड है माइक्रो कंट्रोलर की वो है कमेंट्स। लास्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर 8051 असेंबली लैंग्वेज इज द कमेंट्स। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट इंक्लूडेड बाय द डिवेलपर फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड। मतलब उसने बताया कि हम जो भी कोडिंग करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसमें आसानी पैदा करने के लिए जो डिवेलपर होते हैं वो साथ साथ कमेंट करते जाते हैं, एंड यूज फॉर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। कमेंट्स आर ऑप्शनल एंड इफ यूज दे मस्ट बिगेन विद द सेमी कॉलन। एक तो सेमी कॉलन से स्टार्ट है, विद डबल स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश हमने यूज करनी है, डिपेंडिंग ऑन द असेंबलर। असेंबलर पे डिपेंड होता है कि हमने किस टाइप की जो है वो यूज करना है। फॉलोइंग स्टेटमेंट विल शो ए फ्यू पॉसिबल वे ऑफ यूजिंग लेबल इंट्रक्शन एंड कमेंट। अभी उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, सबसे पहले है लेबल विदाउट इंट्रक्शन एंड कमेंट। मतलब ये वो लेबल है जिसमें इंट्रक्शन और कमेंट नहीं है, तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल ले दी है, लेबल और आगे सेमी कॉलन। लाइन विद लेबल एंड इंट्रक्शन, अब सेकेंड में जो कमेंट नहीं है, आप इसमें देख लें, ये तो लेबल हो गया, ठीक है, और ये आगे इंट्रक्शन है, मूव A22H। नेक्स्ट लाइन है लाइन विद इंट्रक्शन एंड कमेंट, अब इसमें लेबल नहीं है। हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि जो
लेबल और कमेंट है, ये हर स्टेटमेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है ये हर स्टेटमेंट के लिए कंपलसरी है। मूव ए 22H, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, दिस इज द कमेंट लाइन विद लेबल एंड कमेंट। अब इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये लेबल है और ये कमेंट लिख दिया है, लेकिन इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए इसने बताया हुआ है। लाइन विद ओनली कमेंट, ठीक है, दिस इज अ कमेंट। एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव। अब इसकी डायरेक्टिव क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव आर नॉट द इंस्ट्रक्शन टू द 8051 माइक्रो कंट्रोलर असेंबलर, इवन इवन दो दे आर रिटन इन निमोनिक्स फील्ड ऑफ द प्रोग्राम। मतलब उसने बताया कि जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर की जो डायरेक्टिव होती हैं, ये भी निमोनिक्स कीवर्ड फील्ड होते हैं, फील्ड प्रोग्राम होते हैं। असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव आर एक्चुअली इंस्ट्रक्शन टू द असेंबलर एंड डायरेक्ट द असेंबलर प्रोग्राम व्हाट टू डू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेंबली। मतलब उसने बताया है कि असल में जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज की डायरेक्टिव होती हैं, वो असल में इंस्ट्रक्शन होती हैं असेंबलर के लिए, जो कि डायरेक्ट असेंबलर प्रोग्राम को बताता है कि हमने प्रोसेसिंग के दौरान क्या काम करना है। द असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द कंटेंट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी एक्सेप्ट डीबी एंड डीडब्ल्यू डायरेक्टिव। अब दो डायरेक्टिव हैं, डीबी और डीडब्ल्यू, इनके अलावा जो असेंबली लैंग्वेज की डायरेक्टिव हैं उनका माइक्रो कंट्रोलर की जो मेमोरी है या उसके जो कंटेंट होंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दीज डायरेक्टिव आर डिपेंडेंट ऑन द असेंबलर प्रोग्राम इन केस ऑफ ASM51 असेंबलर फॉलोइंग आर द कैटेगरी ऑफ डायरेक्टिव। अब नीचे उसने डायरेक्टिव बताई हुई है, ये वो डायरेक्टिव हैं जो कि असेंबलर प्रोग्राम में हम माइक्रो कंट्रोलर के लिए टाइप करते हैं। असेंबलर स्टेट कंट्रोल ORG एंड एंड यूजिंग, ये इसकी डायरेक्टिव है अगर हमने कोई स्टेट को कंट्रोल करना है। सिंबल डेफिनेशन, सेगमेंट इक्विवेलेंट सेट डाटा आई डाटा एक्स डाटा बिट और कोड, स्टोरेज इनिशियलाइजेशन DS DBIT DB DW, प्रोग्राम लिंकेज, प्रोग्राम को अगर लिंक करना है पब्लिक है एक्सटर्न है नेम, सेगमेंट सिलेक्शन के लिए RSEG CSEG DSEG ISEG DSEG एंड XSEG। वी विल नाउ सी अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली यूज ऑफ असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स। अब ये जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है इन डायरेक्टिव्स के बारे में उसने नीचे थोड़ा सा वो कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे बताया हुआ है, तो हम एक आध एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। ORG सेट ओरिजिन, ORG मीन ओरिजिन। 8051 प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्राम विल स्टार्ट असेंबलिंग फ्रॉम द प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस 0000H। मतलब जो हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसके जो एड्रेस होगा 0000H होगा। दिस इज ऑल्सो एड्रेस फ्रॉम विच द 8051 माइक्रो कंट्रोलर विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द कोड, और ये वो एड्रेस है जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर जो है वो कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। इन ऑर्डर प्लेस ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा एनीवेयर इन द एड्रेस स्पेस ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर यू कैन यूज ओरिजिन डायरेक्टिव। सब उसने बताया है कि प्रोग्राम की प्लेस के लिए और उसके स्पेस के लिए किसी भी जगह पे माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू आप इसकी डायरेक्टिव को यूज कर सकते हैं, जैसा कि ORG 0000H टेल द असेंबलर टू असेंबल द नेक्स्ट स्टेटमेंट एट 0000H।
मतलब ये जो डायरेक्टरी है असेंबलर को बताएगा कि जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो कि इस एड्रेस पे पड़ी हुई है उसको जाके असेंबल कर ले। LJMP मेन कोड मेमोरी एट 00008 जंप टू मेन, मतलब ये जंप की डायरेक्टरी है और मेन जो है वो हमारे पास एक लेबल होगा, वहां पे जाके हमने कोड मेमोरी को जंप करना है इस पोजीशन पे जा। ORG 00000BH टेल द असेंबलर टू असेंबल द नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेम है मेन NOP कोड मेमोरी है एट 00BH मेन स्टार्ट हेयर। तो ये इसकी एग्जांपल है ओरिजिन डायरेक्टरी की। इसी तरह ये दूसरी डायरेक्टरीज हैं, इसको भी आप लोग स्टडी करना, जिस चीज की समझ ना आई आप मुझसे पूछ लेना। एग्जाम्पल ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लैंग्वेज, फॉलोइंग एग्जाम्पल सिंपल असेंबली लैंग्वेज 8051 माइक्रो कंट्रोलर विच कॉपी द डाटा फ्रॉम आर ओ ऑफ बैंक 0 टू आर ओ ऑफ बैंक 3। मतलब हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है, हमने क्या करना है कि बैंक 0 से बैंक 3 तक आर ओ का डाटा जो है माइक्रो कंट्रोलर के लिहाज से हमने कॉपी करना है। ओरिजिन हम उसकी बनाएंगे 00H से, मूव हम करेंगे आर ओ को, साथ उसकी पोजीशन दे देंगे 33H, फिर मूव करेंगे ए आर ओ एड्रेस होगा, सेट बी PSW उसकी पोजीशन जो है वो सेट करेंगे थर्ड के लिए, थर्ड पोजीशन के जरिए क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि बैंक 3। सेट बी PSW.4 मूव करेंगे आर ओ को ए में, उसके बाद एंड हो जाएगा और हमारा जो है रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। इन नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन टॉगल द LED ऑन एंड ऑफ ब्लिंकिंग LED दैट आर कनेक्टेड टू पोर्ट 1 ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब हम मजीद एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, साथ साथ उसने कमेंट भी किया होगा कुछ इंस्ट्रक्शन के हवाले से। ORG 00H असेंबली स्टार्ट फ्रॉम हेयर, मतलब हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। मेन प्रोग्राम स्टार्ट मूव P1 OXFF मूव, ये इंस्ट्रक्शन होगी टू पोर्ट 1। कॉल वेट मतलब वेट के लिए कॉल करेगा। मूव ए P1 मीन क्या है कि मूव P1 वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है P1 की उसको मूव करे कहाँ पे ACC में। CPLA कॉम्प्लीमेंट ACC मूव P1A मीन्स के मूव ACC करे वैल्यू को, मतलब जिसमें जो वैल्यू होगी कहाँ पे जाके P1 में। कॉल वेट मीन्स वेट करे सिस्टम। फिर आगे जंप स्टार्ट होगा, जंप टू स्टार्ट वेट मूव R2 10 लोड रजिस्टर R2 with 10, ये इसका एड्रेस होगा कि इस एड्रेस में जाके रजिस्टर जो है वो R2 को लोड करे। वेट मूव R3 ये एड्रेस होगा, एक डेस्टिनेशन है, एक डाटा होगा, सोर्स होगा। लोड रजिस्टर R3 with, ये आगे उसने एड्रेस बता दिया। वेट टू मूव R4 लोड रजिस्टर 4, इस पोजीशन पे जाके रजिस्टर को जो है वो लोड करें। डी जे एंड जेड डिक्रीमेंट, डी फॉर डिक्रीमेंट, R4 मतलब 4 में डिक्रीमेंट करना है किस वक्त तक, जब वो 0 हो जाए, मतलब 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा, अप टू 0। स्टे देयर इफ नॉट 0, इसका मतलब ये है कि जब तक ये 0 नहीं हो जाता ये वाला प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। फिर R3 के लिए होगा, फिर R2 के लिए होगा, यहाँ पे पहली दफा वेट करना पड़ेगा, फिर दूसरी दफा वेट करना पड़ेगा,
उसके बाद आर ई टी रीसेट टू मेन प्रोग्राम एंड असेंबली एंड हो जाएगी। तो इस तरह हम माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं। इन दिस ट्यूटोरियल वी हैव सीन अबाउट द बेसिक ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ असेंबली लैंग्वेज फॉर 8051 असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव एंड एग्जाम्पल। तो आप लोगों ने इस टास्क को, इस ट्यूटोरियल को डिस्कस करना है, अच्छे तरीके से स्टडी करना है। जहाँ क्वेश्चन की समझ ना आए, जिस स्टेटमेंट की समझ ना आए, आप मुझसे ज़रूर पूछें। इसके साथ मैं आपको इसकी दो या तीन वीडियो वो भी सेंड करूँगा, उससे भी आप हेल्प आउट लें। बुक का मैं आपको चैप्टर बता दूँगा, आप बुक से भी इसको कंसल्ट करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो कंसेप्ट है माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, इसमें आपको इंशाल्लाह ग्रिप हासिल हो जाएगी। नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।